हेलो हाय नमस्कार, आप सबका स्वागत है रॉयल एस एकेडमी के इस चैनल पे, जहां अपन डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर को। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टियस पेपर, न्यूज़पेपर, जिसका नाम है द हिंदू, आप सबके सामने रखा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। अभी पहला कंटेंट कौन सा है जो अपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है? द वेरी फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू ड्रग, एट हेल्ड आफ्टर ड्रग रेड ऑन क्रूज शिप। अपना इंटरेस्ट यहाँ ड्रग में है। कौन सा ऐसा एक्ट है, हम ये जानना चाहेंगे, जो नारकोटिक्स को इलीगल, किसी भी टाइप का ड्रग हो उसे इलीगल ठहराता है, और उसमें कौन से सेक्शन है? जो भी स्टूडेंट्स पेपर देते हैं उनको याद होगा कि जब कभी आईटी सेक्शन, वो जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है जिसमें कि किसी पे भी केस हुआ करता था, तो एक सेक्शन 66 से बहुत फेमस हुआ था। एंड सेम इज हेयर, हमें एनडीपीएस का, एनडीपीएस का मतलब है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में आया था। कब आया था ये? शॉर्टकट में इसे बोलते हैं एनडीपीएस, एनडीपीएस एक्ट 1985। ओवरऑल वो सारे रूल इसमें लिखे हुए हैं जो कंट्रोल करता है कंट्री के किसी भी पार्ट में ड्रग से रिलेटेड प्रोहिबिशन को, एज वेल एज फाइन वगैरह को। इसमें फाइन का जो प्रोविजन है वो 5 ईयर का है, और किसी भी तरह का ड्रग पोसेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफर, ये सारी चीजें इलीगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीपीएस एक्ट 1985, आपको पेपर में मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है कि एनडीपीएस कब आया था, चार ऑप्शन मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो ये 85 में आया था। अपना सेकंड टॉपिक है आज का, नो इन्फो ऑन 2018 प्लान टू कलेक्ट ओबीसी डाटा। ओबीसी डाटा अभी हॉट केक है यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस के लिए, ओबीसी और कास्ट सेंसस वेस्ट डाटा। बात करें अगर ओबीसी की, तो याद करें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। काका केलकर से शुरुआत हुई थी इसकी, काका केलकर कमेटी बनी थी ओबीसी की, कई बार पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। लोगों को अक्सर मंडल कमीशन याद आता है, वो भूल जाते हैं कि काका केलकर कमेटी मंडल कमीशन से पहले बनाई गई थी। और मंडल कमीशन में से रिलेटेड एक केस है, याद करें इंदिरा साहनी केस, जो ये इंदिरा साहनी का केस हुआ था, एक लैंडमार्क जजमेंट है। इंदिरा साहनी का केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें 1993 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि आप एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाइए, और तुरंत का तुरंत सेम ईयर में बनाया गया इसे। इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट आया था 2017 में, और ये अमेंडमेंट नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 102। अब तक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि अभी तक 2021 तक केवल 104 अमेंडमेंट आए हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा कि 127th अमेंडमेंट आया हुआ है। एक्चुअली वो 127 जिस दिन फाइनल हो जाएगा वो 105 कहलाएगा, 105वां अमेंडमेंट कहा जाएगा उसे। अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में केवल और केवल 104 अमेंडमेंट फाइनली एक्ट या बिल के फॉर्म में लागू है। ये जो है ओबीसी का डाटा, जो 2000 ओबीसी से रिलेटेड जो बिल आया था 2017 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 102 था। इसमें एक नया आर्टिकल दिया गया था जो कई बार अब तक रिपीट हो चुका है, ये आर्टिकल है 338 बी। ये 338 बी कहता है कि ओबीसी एक वल्नरेबल ग्रुप है, इसके इंटरेस्ट को और ज्यादा सेफ करने की जरूरत है। इससे पहले जो एनसीबीसी कमीशन बनाया गया था, ये 5 मेंबर कमीशन होता है, 3 मेंबर होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जिसे आप वाइस चेयरमैन कह सकते हैं, और एक चेयरमैन होता है। अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए देख रहे हैं, तो आपको वाइस चेयरमैन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितने मेंबर की ये होते हैं कमीशन और कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कुछ और इंफॉर्मेशन, अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये इशू है कि ओबीसी कौन है, कौन डिसाइड करेगा। याद कीजिए महाराष्ट्र का केस, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना पड़ा महाराष्ट्र के इस जजमेंट पे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना था कि एक पर्टिकुलर कास्ट को मैं ओबीसी में इंक्लूड कर रहा हूं, और इसके लिए उन्होंने तमाम रिजल्ट को चेंज करने की ख्वाहिश पैदा की। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अंडर आर्टिकल 342 ए, कौन सा आर्टिकल, देखो सारे रिलेटेड है आपस में,
अब मैं आपको एक कनेक्शन दिखाता हूं। 338 बी क्या कहता है, 338 बी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी के हर उस इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाना चाहिए जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करे। चार इसमें जोड़ दो, चार क्यों जोड़ो, क्योंकि एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में चार टर्म है, तो आ जाओगे 342 पे। तो ये 338 बी और 342 ए ये दोनों रिलेटेड है ओबीसी से। आगे आप कहेंगे फिर ऐसा आपने क्या अलग बताया, 338 ए एसटी से रिलेटेड है। 338 ए किससे रिलेटेड है, एसटी से रिलेटेड है। ये कहता है कि वहां एक शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन होगा, ठीक है, लेकिन 338 में अगर एनसीबीसी चार अक्षर जोड़ दें, आप चार जोड़ दें तो 342 पे पहुंचेंगे। ये कहता है कि केवल और केवल प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि ओबीसी के लिस्ट में कौन कौन सा आएगा। ओवरऑल कंट्री में ये बातें चल रही है और पार्लियामेंट ने हाल ही में जो लेटेस्ट 127वां अमेंडमेंट लाया है वो इसी से लाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट के सीएम को ये पावर होगा कि वो किसी भी कास्ट को गवर्नर से कंसल्ट करके एक पर्टिकुलर डाटा सर्वे करवा करके ओबीसी के लिस्ट में इंक्लूड कर सके। इससे पहले कि मैं ये ओबीसी का वाइंड अप करूं, एक बार रिवाइज करता हूं आपके लिए ओबीसी से रिलेटेड अपने पास क्या है। सबसे पहला कमेटी काका केलकर कमेटी 1993 में मंडल कमीशन के सिफारिश पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, कहीं ना कहीं मंडल कमीशन से वो अफेक्टेड था, उसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में कंटेंट बनाने के लिए और इंटरव्यू में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत के तुरंत एक कमीशन बनाओ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। प्रेसिडेंट उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करता है। एक 5 सदस्यीय टीम है एनसीबीसी, जिसमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, 338 ए और 342 बी, 338 में चार जोड़ देना, चार क्यों जोड़ दो, क्योंकि एनसीबीसी की बात कर रहे हैं, चार अक्षर की बात कर रहे हैं, आ जाओगे 342 पे। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल ओबीसी से रिलेटेड है। जहां 338 बी कहता है कि ओबीसी का ख्याल रखा जाए, 342 ए कहता है कि केवल और केवल प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन ओबीसी है एंड नो अदर पर्सन। 338 ए जो कि बी से पहले आता है, शेड्यूल ट्राइबल कमीशन से रिलेटेड है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूं कि 2003 में इन दोनों को, एसटी और एससी कमीशन को, अलग अलग कर दिया गया। उसके पहले दोनों साथ हुआ करते थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो अमेंडमेंट कौन सा था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल कोई भी हो, आपको बस इस व्यू से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा जाना है ना। ये नहीं सोचना है कि एज ए न्यूज हमें पढ़ना नहीं है, हमें स्टडी करना है उसे। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि एचसी रिजेक्ट्स वेल प्ली ऑफ वुमेन। मैंने पहले भी आपको कहा था एचसी कौन से आर्टिकल में आता है। एचसी अगर लास्ट टाइम का वीडियो आपने देखा है पहले का तो याद होगा, मैंने कहा था 124 में 90 जोड़ने के लिए। 124 कौन सा है, 124 है सुप्रीम कोर्ट, 90 जोड़ेंगे कहां पहुंच जाएंगे, 214 पर। 214 है हाई कोर्ट, 214 कहता है कि देयर विल बी हाई कोर्ट, 214 ही कहता है कि देयर विल बी ए हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन और टू यूनियन टेरिटरीज और स्टेट। और महाराष्ट्र और आसाम दो ऐसे स्टेट हैं जिनके पास चार चार स्टेट एंड यूटीज के ज्यूरिसडिक्शन है। ये पहले भी मैं आपको पहले के न्यूज में बता चुका हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो द नेक्स्ट आर्टिकल है कि वी विल डिमोलिश इलीगली बिल्ट टेम्पल। बात जब टेम्पल की आती है और आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, पीसीएस के कैंडिडेट हैं, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको हर हाल में जो इंडियन आर्क एंड आर्किटेक्चर है, जो भी जितने भी टाइप के आर्ट हैं, इनको ध्यान में रखना होता है। टेम्पल का एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। अब ये टेम्पल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होता है, कई बार तो ऐसे भी पूछे गए हैं कि सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल कौन सा है, यूपी पीसीएस टाइप का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीएससी का वो स्टाइल जो नागर स्टाइल होता है, द्रविड़ स्टाइल होता है, इन पे क्वेश्चन सुन के आते हैं। तो टेम्पल से रिलेटेड ये चीजें आपको याद हो। यहां पर डेमोलिशन की बात की गई है, तो मैं फोकस करना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डेमोलिशन को रोक सकता है
या इंटरफेयर कर सकता है। हाँ जी, उसका नाम है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आया कब था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट इन फील्ड ऑफ कंजर्वेशन। 1861 में आया था, कनिंगम के टाइम पे। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, टेम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो इनके बहुत डाइवर्स एरियाज हैं, बट जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है वो स्टाइल के बाद है कि कंजर्वेशनिस्ट इसका ASI करता क्या है इसके लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। एक न्यूज आर्टिकल है वेस्ट मैनेजमेंट। कहा जा रहा है कि गुरुग्राम सोसाइटी शो द वे फ्रॉम सेग्रीगेशन टू रिसाइकलिंग टू मेकिंग कंपोस्ट, रेसिडेंट्स इंश्योर दैट वेस्ट डज नॉट एंड अप एट लैंडफिल। लैंडफिल के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा मेथड नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट से याद आया कि एक जो मेथड है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसे हम कहते हैं इंसिनरेशन। क्या कहते हैं? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें बर्न किया जाता है। पर्टिकुलरली ये मेथड जो इंसिनरेशन का मेथड है, ये जो मेडिकल वेस्ट होते हैं, लाइक मेडिकल वेस्ट में अब ग्लव्स भी आ जाएगा आज के टाइम का, वो एक स्पेशली मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो इन सब को सबसे बेहतर तरीका है मैनेज करने का जो मेथड है वो है इंसिनरेशन। लैंडफिल, लैंडफिल में क्या होता है कि आप गड्ढा खोदते हैं या जगह खाली होता है, आप उसे मिट्टी के परत से पहले वेस्ट डाल करके फिर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। तो गुरुग्राम सोसाइटी ने ऐसा क्या किया है, आइए देख लेते हैं। पहले उन्होंने सेग्रीगेशन फर्स्ट स्टेप है अलग अलग करना, सूखा कचरा गीला कचरा, है ना, वो टैग भी आया था, ग्रीन रेड लेबल आया था उनका। टू रिसाइकलिंग टू मेकिंग कंपोस्ट, पहले तो आप सेग्रीगेट करके ले जाएंगे, फिर आप उसे रिसाइकल करेंगे, जो जिस लाइक है वहां भेजेंगे उसे, और फिर आप उसका कंपोस्ट बनाएंगे। गुरुग्राम के सोसाइटीज ने यही करके दिखाया है कि हाउ टू कन्वर्ट द वेस्ट फ्रॉम अ वेस्ट टू कंपोस्ट। ठीक है, बात आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। जो नेक्स्ट आर्टिकल अपने काम का है, हर एक आर्टिकल अपने काम का नहीं होता है। एक आर्टिकल है जिसमें छपा है कि मॉब वैंडलाइजेज रिलीजियस प्लेस इन MP ऑन सस्पिशन ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन से याद आया, यहां पे ऑब्वियस ही बात है रिलीजन कन्वर्जन की बात हो रही है। एंटी कन्वर्जन लॉ अभी इंडिया के 3 स्टेट ने लाया हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन तीनों स्टेट का ये मानना है कि रिलीजन चेंज करवा के इंटर मैरिज करने वाले, जिसे इंटरफेथ मैरिज कहते हैं, इंटरफेथ मैरिज करके गर्ल्स को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो गर्ल्स होती हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इन तीनों स्टेट ने ये बिल लाया है, उनके क्या क्या प्रावधान हैं मेनली, और अभी ये न्यूज में क्यों है, आइए इसे देखते हैं। वैसे तो एक एक्ट है जिसे कहा जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट। 1954 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। ये नॉर्मल एक्ट से हटकर है, नाम ही इसका स्पेशल है। कब आया था ये? 1954 में। इसमें एक सेक्शन है जो ये कहता है कि इंटरफेथ मैरिज करने वाले, यानी एक रिलीजन का ग्रूम हो, दूसरे रिलीजन की ब्राइड हो, अगर ऐसी शादी होती है तो इनको इस एक्ट के तहत 1 महीने का नोटिस देना होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि हम जी शादी करने वाले हैं, हम 2 अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। जो अभी एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं, एक क्वेश्चन इससे आजकल पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेट कौन है ऐसा एंटी कन्वर्जन लॉ वाला, तो फर्स्ट स्टेट गुजरात है। वैसे अब टोटल तीन स्टेट हैं जहां ये चीजें चल रही हैं एंटी कन्वर्जन की। जो यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसने इस रूल को 2 महीने के लिए किया हुआ है। 2 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा कि आप इंटरफेथ के हैं, अलग अलग रीजन के हैं और आप मैरिज करने जा रहे हैं।
बाकी अपने कोई इंटरेस्ट का इसमें काम नहीं है, मॉब से हमें बच के रहना चाहिए, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए एंटी कन्वर्जन में। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल कौन सा है जो अपना इंतजार कर रहा है। एक न्यूज आया है चोला इंस्क्रिप्शंस ऑन सिविक ऑफिशियल एलिजिबिलिटी। चोला इंस्क्रिप्शंस, चोला से याद आता है कौन से ईयर में ये रहा है, चोला बहुत लंबे टाइम तक रहा है, 300 BC से लेकर के और 1300 CE तक इसके बहुत सारे फेमस किंग हुए हैं लाइक राजा राज चोल, विजयाल्य। रिवर कौन सा था इनका जहां पे ये किंगडम फ्लोरिश हुआ। क्वेश्चंस आता है मेरा अक्सर जो पॉइंट होता है वो उनपे होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और पिछले 10 और 15 ईयर में स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो जितने भी क्वेश्चंस इनके बने हैं इन टॉपिक्स पे वो मुझे याद है, दैट्स वाई मैं उसे कनेक्ट करता हूं आपको। एक क्वेश्चन आया था कि चोला किंगडम का जो फ्लोरिशमेंट था वो कौन से रिवर के आसपास था, तो ये था कावेरी एज वेल एज तुंगभद्रा, दोनों के बीच में दोआब पड़ता है वहां पे था इनका। एक और पीसीएस ने पूछा था ये रिवर कौन सा था, कावेरी एंड तुंगभद्रा। एक और पीसीएस ने पूछा था कि चोला का जो सिंबल था स्टेट सिंबल वो क्या था, तो चोला का स्टेट सिंबल था टाइगर। क्या था? टाइगर। वैसे ही पांड्या का अलग था, और भी जो डायनेस्टी इनके पैरेलल में थी उनका अलग था। फिलहाल चोला डायनेस्टी से दो चीजें याद आती हैं, 3rd BC से लेकर के 1300 CE तक। यहां पर क्या दिया हुआ है ये एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम ए टेम्पल एट थेनेरी दे टॉक अबाउट क्राइटेरिया फॉर विलेज पैनल मेंबर्स। ये तो हम सबको पता है कि चोला किंगडम का जो ग्राम सभा होता था वो पंचायत के लिए, विलेज पंचायत के लिए फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन आया है ना ग्राम सभा के लिए। तो यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन सिविक ऑफिशियल्स यानी ये जो पंचायत वाले मेंबर होते थे इनके इलिजिबिलिटी के बारे में बता रहा है। ये कहां पे मिला है? एक टेम्पल है थेनेरी में। कौन से जगह पे है ये टेम्पल? ये टेम्पल थेनेरी में है और डिस्ट्रिक्ट है इसका कांचीपुरम। तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि तमिलनाडु की बात हो रही है ना। जब कभी जैसे देखो इस बार अगर मान लो चोला पे क्वेश्चन आता है तो लोग यही कहेंगे कि चोला इस बार न्यूज में आया था, जरूरी नहीं है। चोला एक एवर ग्रीन टॉपिक है, हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। इसका क्या ऐसा फीचर था, मैंने बताया आपको ग्राम सभा के लिए जाना जाता था ये। क्या इसकी नेवी सबसे स्ट्रांग थी उस टाइम पे, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। आइए चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। कुछ फनी न्यूज मिलेंगे आपको कि मंकी ले गया इतने का वो इतने का वो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। जो अपना सिस्टम है वो ये है कि हमारे सिलेबस में क्या है और पूछा क्या जाएगा। एक आर्टिकल दिख रहा है एनजीआरआई प्रपोजेज लैंड स्लिप फ्लड वार्निंग सिस्टम। ये एनजीआरआई है क्या? एनजीआरआई का नाम पूरा है नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका? नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट CSIR का पार्ट है, और जब बात CSIR की हो तो इसके फाउंडेशन ईयर को याद रखा जाना चाहिए। CSIR 1942 से काम कर रहा है, 1942। कई बार ये मैट्रिक्स मैच में आ जाते हैं कि CSIR कब एस्टेब्लिश किया गया था, NGT कब एस्टेब्लिश किया गया था, कब फाउंड किया गया इन चीजों को। तो CSIR 1942 में किया गया था। CSIR से एक एफिलिएटेड है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक नया फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया है लैंडस्लिप फीचर में, तो मे भी क्वेश्चन बने, काफी डिटेल में पढ़ने की जरूरत होगी। ये पर्टिकुलरली जो माउंटेनियस एरिया है जहां रॉक स्लाइड वगैरह का होते रहता है वहां के लिए ये चीज है, लैंडस्लाइड एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक बार देख लें आप इसे, और इतना याद रखें अगर पूछा जाए कि किसने इसे लॉन्च किया है तो वो है अपना NGRI जो एफिलिएटेड है CSIR से। नायर सर्विस तमिलनाडु, कास्ट वेस्ट पॉलिटिक्स है ना, हम सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए इन चीजों में। देखते हैं अब अगला न्यूज कौन सा है अपने पास। आज के न्यूज आर्टिकल में ज्यादातर दिख रहा है कन्वर्जन या फिर SC ने कुछ बोला है। एक आर्टिकल दिख रहा है, एडिटोरियल है आज का द हिंदू का, री इमेजिंग फूड सिस्टम विद लेसन फ्रॉम इंडिया।
फूड सिस्टम को रीइमेजिन करने की बात कर रहे हैं ये दो महानुभाव, प्रजौली और रमेश चंद जी। ये रमेश चंद शायद वही हैं जो नीति आयोग के भी मेंबर हैं मेरे हिसाब से, मैंने अभी लास्ट का उनका नहीं देखा है कि कौन है ये, लेकिन मेरे हिसाब से वही है। इतनी अच्छी बात तो यही कर सकते हैं। जब बात आती है फूड सिस्टम ऑफ इंडिया, फूड सिस्टम इन इंडिया की, तो सबसे पहले याद आता है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि फूड को स्टोर करके रखता है ना। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में, गवर्नमेंट के स्कीम में वहां से लिया जाता है। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में दो टाइप की चीजें चल रही हैं। एक है NFSM। आज मैं बहुत सारे बच्चों का एक डाउट क्लियर कर दूंगा कि NFSM और NFSA दोनों में अंतर क्या है। जब हम NFSM कह रहे होते हैं, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात कर रहे होते हैं, तो ये लॉन्च किया गया था 2007-08 पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2007-08 में। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दिस इज एक्ट नॉट मिशन, मतलब रूल, ये लाया गया था 2013 में। तो अपना कंफ्यूजन दूर कर लो, एक याद हो दूसरे में मार के आ जाओ, और एक नंबर के चलते ही रिजल्ट रुक जाए प्री का, माफ नहीं कर पाएंगे आप खुद को। तो खुद को यहां स्टॉप कीजिए दो मिनट के लिए, हो सके तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, और इतने से अगर याद आ जा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मिशन आया था 2007-08 में, और ये मिशन क्या था कि राइस, वीट एंड पल्स, इन तीनों का प्रोडक्शन बढ़ाना था कुछ मिलियन टन के हिसाब से। पहले ये 5 साल के लिए लॉन्च किया गया, फिर ये 2017 तक किया गया, और अच्छी बात यह है कि अभी ये 2022 तक, 2022 तक लागू, ये मिशन अब भी चल रहा है, टारगेट बढ़ते रहे हमेशा से। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, इसने सब्सिडाइज्ड फूड का जो कंसेप्ट है उसे और एलेबरेट किया। इसने ये श्योर किया कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले इंडियंस, इंडियन सिटीजन को एक कटौती वाले रेट पर, कम रेट पर खाना मिल सके, भरपेट भोजन मिल सके, अनाज के फॉर्म में ही, घर ले जा करके तो पकाना आपको हमको ही है, ठीक है। तो ये था फूड सिस्टम। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि आपको फूड प्रोडक्शन दिखाया जाएगा कि कितना हुआ है, नहीं हुआ है, एक बार आप इसे गो थ्रू हो। जो प्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आई कैच करता है वो ये बनता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दोनों में अंतर क्या है, दोनों आया कब था। बाकी एडिटोरियल का पार्ट है, प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए आपको लाइंस मिल सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कुछ इंसाइट मिल सकता है। एक टॉपिक है NS2, कह रहा है NS2 अ बिन बिन प्रोपोजिशन। NS2 है क्या? N फॉर नॉर्ड, S फॉर स्ट्रीम, इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। NS2 का पूरा नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये देखिए यहां लिखा हुआ है। आपको याद होगा एक गैस परियोजना है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे, जिसका नाम है तापी, जिसमें कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व है, बाहर से गैस लाया जा रहा है और ये पाइपलाइन पाकिस्तान से होकर आ रहा है। तापी अधर में लटका हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, ऑब्वियस ही बात है, अपने पड़ोसी के कारण। नॉर्ड 2 एक इसी टाइप का सिस्टम है जो यूरोपियन कंट्री से एशियन कंट्रीज में गैस पाइपलाइन को लाने की बात करता है। आइए 2-4 लाइन देख लेते हैं। यह कह रहा है कि द नॉर्ड स्ट्रीम 2 यानी NS2 रनिंग फ्रॉम रशिया टू जर्मनी अक्रॉस द बाल्टिक सी इज नाउ कंप्लीट डिस्पाइट कंट्रोवर्सी। कहां से कहां तक है ये? रसिया से लेकर के, ये रहा रसिया आपका, और इधर रहा जर्मनी, बीच में एक बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है, तो ये यहां से यहां तक पाइपलाइन है। कौन सा पाइपलाइन है ये? NS2, रसिया टू जर्मनी, ये कंप्लीट हो गया है। ऑब्वियस ही बात है, रसिया अपना एक अच्छा पार्टनर है, जर्मनी मॉडर्न अलाई है इंडिया का, तो फर्दर हम सोच सकते हैं कि ये गैस पाइपलाइन इंडिया तक आ जाए, इस टाइप की कुछ चीजें हो।
एक्चुअली इस आर्टिकल में ये कंपेयर किया गया है कि कैसे आज भी एशियन कंट्रीज आपस में उलझे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तापी का एग्जांपल दिया जा रहा है और NS2 जो हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया था, हाल फिलहाल में मतलब कुछ एक वर्षों में, इधर के सालों में, और उसे कंप्लीट कर लिया गया है। और रशिया टू जर्मनी दैट इज अ लार्ज डिस्टेंस बाल्टिक सी से होते हुए इसका देखिए कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2018 में। आप सोच सकते हैं कोविड के टाइम पे ये पूरा किया गया। लेंथ इसका है 1224 किलोमीटर। लेंथ मैटर नहीं करता है लेकिन कंट्री ओरिजिन मैटर करता है। हो सकता है दोनों कंट्री दे दे, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब रशिया ने पहला वो पोल के साइड में रेलवे साइबर रेलवे ट्रैक बिछाया था तो बहुत सारे क्वेश्चन बने थे कि कहां से कहां को वो कनेक्ट करता है। तो NS2 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही देखना है कि ये रशिया टू जर्मनी को कनेक्ट करता है। यूक्रेन का कंसर्न है, सीधी सी बात है जी, यूक्रेन रशिया का पाकिस्तान है। तालिबान, क्या कहा जाए तालिबान के बारे में, हम सबको पता है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में UPSC बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछती है। हाँ, थोड़ा बहुत जो इंडियन इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में उसे आप जरूर याद रख लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है DRI परस्यूइंग लीड्स ऑन हेरोइन सीजर। ये हेरोइन सीजर अभी वो एक अपना पोर्ट है मुंद्रा गुजरात में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है। मैं लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बोल रहा हूं, लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर या लार्जेस्ट नेचुरल नहीं, वो तो JNPT जिंदाबाद महाराष्ट्र। मुंद्रा पोर्ट पे हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि ये पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज में है। मुंद्रा पोर्ट वो 13 पोर्ट में नहीं है फिलहाल जो मेजर पोर्ट कहे जाते हैं, ये एक प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट पोर्ट है गुजरात में। ये हीरोइन सीजर से हमें यही याद आता है और आपको भी यही याद आना चाहिए, और कुछ इसमें अपने काम का नहीं है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर कुछ और है अपने लिए इस न्यूज़पेपर में तो वो देख लेते हैं। ये कुछ फेयरवेयर जो लगते रहते हैं इन पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। न्यूज अब रिपीट हो रहा है एक तरीके से। अगर कुछ और है अपने काम का तो हम ढूंढ लेंगे उसे, और नहीं है। चाइनीज ट्रांसग्रेशन की बात की जा रही है कि ये इंडिया के कैपेसिटी को टेस्ट कर रहा है, इंडिया के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है ये। आपको गलवान याद ही होगा, ईस्ट लद्दाख में है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। और 1813 का जो उनका एग्रीमेंट है जो चाइना नहीं मानता है, उसका कहना है कि वो तिब्बत ने किया था, मैंने थोड़ी ना किया था, तो वो आपको याद हो। एक वाइल्ड टैंक फार्म आया है जिसका नाम है ट्रिंको माली। नाम से ऐसा लगता है कि माले उले में होगा लेकिन नहीं, श्रीलंका में है। जी हाँ, वही श्रीलंका जहां हम्बन टोटा चाइना को दिया गया। हाल फिलहाल में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने इसे विजिट किया है। ये वाइल्ड टैंक फॉर्म है, जस्ट एज ए गेस्टर विजिट था इनका, है ना। तो मे भी जगह का नाम दे दे और मैचिंग में दे दे कि ट्रिंको माली किस लिए फेमस है, जैसे रस्ट ऑफ आयरन है ना USA का और जर्मनी का रॉर को बोलते हैं, तो ट्रिंको माली हो सकता है, पूछ दे। तो ये वाइल्ड टैंक फार्म है।